हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, किर्गिस्तान के लोगों ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को धोया, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया के उड़ गए होश। तो भाई साहब, उधर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को धोया जा रहा है। भाई साहब, ये रीजन क्यों धोया जा रहा है? अब ये इधर क्या हो गया? तुर्की से गेट आउट पाकिस्तान क्या हो गया? क्या चल रहा है पाकिस्तानियों के साथ? पहले इस वीडियो के अंदर देखें पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, देखते हैं कानून करते हैं रीड एंड स्टार्ट। और किर्गिस्तान की दारुलहुकूमत बिश्केक में मुजाहिरीन के हमलों में 3 पाकिस्तानी तालिबे-इल्मों की हलाकत की इत्तला मौसूल हुई हैं। ये गैर मुसद्दिका इत्तला हैं, जिसके मुताबिक आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले, तोड़ फोड़, पाकिस्तानी तालिबात को हिरासत किया जा रहा है। पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हैं। जियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तलबा ने कहा है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। तो किर्गिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों पाकिस्तानी छात्रों, जिनमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं, पर हमले हो रहे हैं और हिंसा और मौत की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। हर मिनट भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं किर्गिस्तान से। जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं, अपडेट्स हमें मिल रही हैं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के तकरीबन कोई 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उनका उनके ऊपर सख्त किस्म के इस वक्त हमले हो रहे हैं। मॉब्स वहां पे बने हुए हैं और वो जो मॉब्स हैं वो सुना है कि बिश्केक में जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है बहुत ज्यादा नाइंसाफी है और बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डराया गया है इस बार इस टाइम, और इसके अलावा बहुत ज्यादा को मारा गया है। यहां तक कि हमारी लड़कियां अभी महफूज नहीं है, लड़के तो एक साइड पे, लेकिन लड़कियां अभी महफूज नहीं है। लड़कों को भी मतलब हॉस्टल में जाके उनको मारा जा रहा है और लड़कियों को भी मारा जा रहा है। और इसके अलावा यहां अभी तक सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमारी एम्बेसी ना हमारे लिए कुछ कर रही है। ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इस हालत पे लेके आ गए हैं। मैडम, आप क्या समझती है, आप पाकिस्तान की यूथ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं लुकिंग एट दिस सिचुएशन? तो ये इस तरह की जो आउटलुक है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? अभी तक इसमें हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी जो एम्बेसी है या जो किर्गिस्तान में कौंसलेट है पाकिस्तान का, उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल किया है या नहीं है, इसको अर्जेंटली इसके ऊपर कोई एक्ट किया है या नहीं। जय हिंद दोस्तों, किर्गिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये एक ही पास के देश है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चुन चुन के, खास करके जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्टल से निकाल निकाल के किर्गिस्तान के लोकल्स पीट रहे हैं बुरी तरीके से। दोस्तों अभी तक बताया जा रहा है 3 से 4 पाकिस्तानी इसमें खत्म भी हो गए, एलिमिनेट कर दिए गए किर्गिस्तान के लोकल्स द्वारा। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, कल के दिन कुछ पाकिस्तानी, कुछ अरबी जो है लोकल्स को उन्होंने बहुत हरास कर दिया, लोकल महिलाओं को, ठीक है। उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की और रेप करने की भी कोशिश की। पाकिस्तानी थे और 1-2 अरबी भी थे, जैसा कि किर्गिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही, ठीक है। इसके बाद वहां के लोकल्स बहुत गुस्से में आ गए और वो जहां भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जहां भी फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां जा रहे हैं पता कर करके कि कौन पाकिस्तानी है, कौन मुस्लिम है, और धो रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 3-4 पाकिस्तानी एलिमिनेट भी हो गए। तो ये तो इनकी रियलिटी है, ये जहां भी जाते हैं बदतमीजी करते हैं, जिस देश में भी जाते हैं महिलाओं के साथ हरासमेंट, उनको परेशान करना, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, ठीक है। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस भी लोकल्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि यार इतनी हरास किया उन्होंने 5-6 महिलाओं को कि किर्गिस मीडिया ने तो खैर बहुत बुरी तरीके से इसको रिपोर्ट किया। तो किर्गिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों पाकिस्तानी छात्रों, जिनमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं, पर हमले हो रहे हैं और हिंसा और मौत की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। हर मिनट भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं किर्गिस्तान से। छात्रों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले की। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार है। इस बीच पाकिस्तानियों पर अटैक लगातार हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस लगातार मिल रहे हैं। वो पाकिस्तानी एम्बेसी है, एम्बेसडर हैं जो इस वक्त किर्गिस्तान में हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से हम गुजारिश करेंगे, खुदा के लिए इस मसले की तरफ फॉरेन से पहले तवज्जो दें, उन स्टूडेंट्स को वहां से निकालें, स्टूडेंट्स को जितना जल्दी और जिस कदर पॉसिबल हो सकता है उनको सपोर्ट फ्राहम करें। ये आपके बच्चे हैं, ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, जो सुना है कि वहां पे गए हैं, बच्चियां वहां पे बहुत ज्यादा हैं, 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा जो झगड़ा शुरू हुआ, वो कहते हैं जी कुछ लोकल्स के साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लोकल्स को जो है ना वो मारा, उनके साथ झगड़ा किया, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए था, बट ये है कि अब उसके जो रिजल्ट में
जो वहां के जो लोकल्स हैं वो पूरी जो है ना मॉब्स बन चुके हैं, वो हर जगह पे वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, ये इंडियन स्टूडेंट हैं या ये बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं, वो उनको जो है ना वो जहां पे भी वो मिल रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, बल्कि हॉस्टल से निकाल बाहर निकाल रहे हैं और घरों से बाहर निकाल रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें बच्चियों को देखा जा सकता है कि वो लोग जो है ना वो लेके इधर उधर उनको उनको पता नहीं अगवा करके लेके जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। और मैं समझता हूँ कि जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है, और ये भी बताने में बताया जा रहा है कि जो वहाँ की पुलिस है वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, जो उन्होंने आर्मी भी डिप्लॉय की है वो भी नहीं कंट्रोल कर पा रही। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किर्गिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बायस शर्म है, बायस नंगो आ रहा है। जब कोई स्टूडेंट्स आपके घर में आते हैं, जब कोई फॉरेनर्स आपके पास आते हैं, वो ऐसे ही है कि कोई मेहमान आपके घर में आया हुआ, तो उनकी हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको इस तरह के मॉब्स के रहमो करम पे छोड़ दें और आप जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी से वो हो जाए, क्या उसे कहते हैं कि आप कह दें कि जी बस हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? नंबर वन। नंबर टू, आप अगर खुद नहीं कर सकते, अगर आपकी अपनी जो वहां पे, मुझे नहीं पता कि वहां पे सिक्योरिटी अपरेटिस क्या है, वहां पे क्या सिचुएशन है किर्गिस्तान में, लोकल जो सिक्योरिटी है वो क्या, किस तरह की उसकी सिचुएशन है, पुलिस क्या क्या सिचुएशन, जो लग रहा है इधर उधर मैं आपको अभी वीडियोस दिखाता हूँ सबको, वो तो वहां पे तो कुछ ज्यादा वो नहीं लग रहा कि उधर कुछ ज्यादा कोई कार्रवाई हो रही है। मैडम यार सच में प्रॉमिसली सुबह सुबह मूड हमारा खराब हो गया है। दो तीन गंदी नाली कंजरों की वजह से सारे जलील हो रहे हैं। बीच में लड़कियां भी, अब लड़कियों ने तो हरास नहीं किया, उनको भी उधर के भी लोगों पे मैं अजीब में, अब उनको भी गालियां देने का दिल कर रहा है। लड़कियों ने क्या किया, चलो अरे यार शोर, वो अरबी भी शामिल है, अरबी भी कुछ शामिल है बे। यार देखो मैं इधर कहता हूँ, मानता हूँ ठीक है, 10 थे, 15 थे, 20 थे, 5 थे, जितने भी थे उनकी गलती थी, उनकी भलाई करो ना तुम, और सबके पीछे क्यों आ रहे हो? उन कमीनों की वजह से 10,000 और लोग जो है ना मुसीबत में पाकिस्तानी पड़े, और उनकी गवर्नमेंट सत्तू पी के सो रही है। क्या कर रहे हो? पाकिस्तानियों की रिकॉर्ड खराब है, सीधी सी बात है, खराब है। तो पाकिस्तानी वो गंदी नाली के बीच में स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, कुछ लोंडे चले जाते हैं, ये कहते हैं कि भाई बस लड़कियों के लिए, हम लोंडेबाजी के लिए। यार चलो ठीक है, जाते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, बदनाम भी है, सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट भी सत्तू पी के सो रही है, उधर उनसे बात करें ना भाई, उधर यज्ञ लगी हुई है भाई, भाई उधर इधर इंडिया होता ना, पहली बात इंडियन करते नहीं है ऐसा, इंडिया अगर होता उनकी, मैं कहता हूँ जी में डंडा देकर उनको, कहते हम बताएंगे 10,000 लोगों को क्या कसूर है यार उधर। यार भाई बस क्या बोले बंदा यार, और यार क्या चूतिए लोग हैं जो, जिनकी वजह से अब मेरे मुंह से फालतू में कुछ निकल रहा है कि 10-15 लोगों की वजह से 10,000 लोगों को, सही बात है, वो लोगों को भी यार देखना चाहिए। अब यार बस यही है, हमारा यही हाल हो गया, बस दो तीन भाई जो एल से लोग होते हैं वो उठ के यकी करते हैं, नाम सारा पूरे पाकिस्तान पे थूथू होती है। इसी तरह ही होता है, ये शुरू में ये फ्रांस में हुआ है, ये यूके में हुआ है, ये ग्रीस में हुआ है, ये क्या कहते हैं तुर्की में हुआ है, अब इधर भी हुआ है। यार मैं भाई करके चलो, उधर तो इनको मारते तो नहीं थे ना, वो जो होते थे उनको पकड़ लेते थे, ये भाई लोग भी मुंह उठा के पागल हुआ है। अबे तुम खुद सोचो, 10,000 अगर स्टूडेंट है तो हजारों के, मैं कहता हूँ 10,000-20,000 लोग भी उधर आए होंगे, जाहिर बात है आपस में भाई, ये नवी अकील उन बेचारे जो पढ़ने उधर गए थे, जो ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनका भी बड़ा घर जो यज्ञ लगा रहे हैं उनको पकड़ के डालो अंदर, हम तो भाई कहते हैं उनके अंदर डंडे दो जिन्होंने ऐसा काम किया। क्या यार सुबह सुबह मूड जेल में पकड़ के डालो जिन्होंने ऐसा किया यार, लेकिन जो और है, कम से कम हमारी गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं 3 की जान जा चुकी है और कितनी की जाएगी। आपका जैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना।